लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद। बैठक में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है ये पहली बैठक। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से बैठक की हुई शुरुआत। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों पर मंथन, हारी हुई सीटों पर चल रही चर्चा। मुंबई से पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात, 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी का दावा, पिछले 3 से 4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। हमारी सरकार के तीसरे टर्म का छोटे और बड़े निवेशकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी बोले, एनडीए सरकार के विकास मॉडल में वंचितों को वरीयता दी जाती है। पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला, बोले, देश में झूठा नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। पीएम ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया, मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। बीजेपी के जौनपुर विधायक रमेश चंद मिश्रा ने वीडियो को लेकर अपने सफाई दी, कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी विधायक रमेश चंद मिश्रा एक वीडियो में अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे, कहा था, अभी हमारी सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। रमेश चंद्र मिश्रा का बयान, 2027 में बीजेपी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना चाहिए। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा, 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता है, एनडीए को 2 सीटें मिली जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। हरिद्वार के मंगलोर से जीतने वाले कांग्रेस नेता बोले, काजी निजामुद्दीन, ये लोकतंत्र की जीत है। बद्रीनाथ सीट जीतने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, अपनी जीत का श्रेय लखपत बुटोला ने जनता को दिया। अमरवाड़ा सीट जीतने पर बोले सीएम मोहन यादव, ये बीजेपी पर जनता का भरोसा है। अमरवाड़ा हारने पर बोले एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी, बीजेपी ने चुनाव को लूटा है। उपचुनाव के नतीजों से सीएम ममता बनर्जी खुश, बोली, जो 3 सीटें बीजेपी के पास थी उस पर भी टीएमसी के कैंडिडेट जीत गए हैं। बंगाल के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, खेला शुरू हो चुका है, दिल्ली में मोदी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। बागदा से जीत के बाद बोली टीएमसी कैंडिडेट मधुकर्णा ठाकुर, सड़क और पुल के लिए बहुत कुछ काम करना बाकी है। रुपौली के नतीजों पर बोले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी। विक्रवंडी सीट से जीतने वाले डीएमके कैंडिडेट अन्यूर शिवा बोले, जनता के लिए काम करूंगा। उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नतीजों से साफ है बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। राहुल गांधी ने कहा, किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। राहुल ने लिखा, जय हिंदुस्तान, जय संविधान, कहा, अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। मुंबई में सीएम शिंदे से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, सीएम निवास वर्षा बंगले पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। झारखंड बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। यूपी में कई जिलों के बदले गए जिलाधिकारी, अयोध्या, देवरिया, बदायूं, औरैया, सोनभद्र में नए डीएम तैनात किए गए हैं। पुणे पुलिस ने आईएएस पूजा खेड़कर के घर के बाहर चिपकाए नोटिस, आईएएस पूजा की मां के खिलाफ पुलिस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, नोटिस रिसीव न करने पर घर के बाहर चिपका दिया गया। पुणे पुलिस ने आईएएस पूजा खेड़कर की ऑडी कार बरामद की, इसी गाड़ी से वो दफ्तर जाती थी, निजी गाड़ी पर लगाई थी सरकारी लाल बत्ती। जबलपुर दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना मुख्यालय पहुंचकर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स समेत दूसरी तैयारियों का जायजा लिया। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में करगिल विजय के 25 साल पर पूरे होने पर होगा एयर शो, राफेल जगुआर फाइटर प्लेन ने दिखाए शानदार करतब, एयर वॉरियर ड्रिल और स्काई डाइविंग टीम ने भी प्रदर्शन किया। अमरीका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान हुई फायरिंग, ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित है। एक गोली ट्रंप के कान को छूती भी निकल गई, ट्रंप के कान और चेहरे के पास खून के निशान दिखे। हमले के बाद सुरक्षाकर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला, ट्रंप के सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को ढेर कर दिया। ट्रंप पर हुई फायरिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की निंदा, बोले शुक्र है ट्रंप सुरक्षित है और उनकी हालत ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की, बोले लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं, राहत है कि ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई है। अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी हमले की निंदा की, बोले अमरीका में हिंसा की कोई जगह नहीं, हम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। फायरिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी अमरीकी सीक्रेट सर्विस का तेजी से एक्शन लेने का आभार जताया, बोले तुरंत एक्शन लेने के लिए सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का शुक्रिया। फायरिंग पर बोले ट्रंप, मैंने महसूस किया कि गोली मेरे त्वचा के पार निकल गई, खून बहा, तब एहसास हुआ क्यों हो रहा है, भगवान अमरीका की रक्षा करें। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर बोले ट्रंप पर हुई फायरिंग से स्तब्ध हूँ, समाज में किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा की जगह नहीं, ट्रंप के जल्द
स्वस्थ होने की कामना की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। ट्वीट कर लिखा, मेरे मित्र, ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। बोले, हमले से बहुत चिंतित हूँ। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमले की निंदा की।